Rhapsody of Realities at Saturday, 28 August 2021. Shanivar, 28 August 2021. Rhapsody of Realities में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, फर्स्ट जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन के आधार से, आज ये वचन के आधार से जो विषय है, टॉपिक है द इम्पार्टेशन ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन प्रदान करना, द इम्पार्टेशन ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को प्रदान करना। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे, फर्स्ट जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैथ गिवन टू अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। और एक बार पढ़ेंगे, फर्स्ट जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स, एंड दिस इज द रिकॉर्ड दैट गॉड हैथ गिवन टू अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 11 वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। When you believed the gospel of Jesus Christ and received him as Lord of your life, he imparted your spirit with eternal life. जब आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर और आपने ग्रहण किया यीशु मसीह को प्रभु कहते हुए आपके जीवन में, उसने आपके आत्मा के अंदर अनंत काल के जीवन के साथ आपको दे दिया, आपको आपके आत्मा में प्रदान कर दिया, अनंत काल के जीवन के साथ आपको भर दिया उसने। इटर्नल लाइफ इज द नेचर ऑफ गॉड, द गॉड टाइप ऑफ लाइफ। अनंत जीवन परमेश्वर का गुण है, परमेश्वरीय जन जो होते हैं, तरीके वाला जीवन, परमेश्वरीय तरीके वाला जीवन उसने आपको अनंत जीवन के नाम में दे दिया है। अनंत जीवन ये परमेश्वर का गुण है, ईश्वरीय तरीका है जीवन का, वो आपको दे दिया। क्रिश्चियनिटी स्टार्ट्स विद द इम्पार्टेशन ऑफ द लाइफ एंड नेचर ऑफ गॉड इनटू योर ह्यूमन स्पिरिट, राइट आफ्टर विच यू हैव अवेकन्ड, यू आर अवेकन्ड टू द फादरहुड ऑफ गॉड, यू कम अलाइव इन गॉड। मसीहियत जो है वो शुरुआत हो जाता है इस जीवन और गुण से, जो परमेश्वर का जीवन और गुण है प्रदान कर दिया जाता है हमारे अंदर, उसके साथ उसके साथ ईश्वरीयता गुण, ईश्वरीयता जीवन, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर दे दिया जाता है तो उसके साथ हमारी मसीहियत की शुरुआत हो जाती है, हमारे मनुष्य आत्मा में इसे दे दिया जाता है, बिल्कुल उस समय ही के साथ दे दिया जाता है जहाँ पर हमको ये मिलते ही हमारे अंदर परमेश्वर पिता की जगह में जाग जाता है, हमारे जीवन में हमारे अंदर वह जीवित परमेश्वर पिता होकर शुरू हो जाता है और फिर हम जीवित हो जाते हैं परमेश्वर में। That's also the evidence that you are in the kingdom of God's dear son. यह भी एक सबूत है कि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में हो चुके हैं। The Bible says we were delivered from the domain of darkness and transferred into the kingdom of God's Son. Colossians 1 chapter 13 verse.
कुलोसियों की पत्री 1:13 में पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1:13, पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यू लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड नाउ एंड यू हैव इटर्नल लाइफ नाउ। अभी आप परमेश्वर के राज्य में जी रहे हो और आपके पास अनंत जीवन है अभी। बट इफ़ यू डोंट रिकॉग्नाइज दिस रियालिटी, यू कांट लिव द किंगडम लाइफ, यू विल बी वॉकिंग एज अ मियर मॉर्टल। परंतु अगर आपने इसे पहचाना नहीं, इस सत्य को, तो आप उस ईश्वरीय जीवन जो परमेश्वर के राज्य का जीवन है, उसे आप जी नहीं पाएंगे हमेशा ही। फिर आप जो मृत देह होता है उसमें ही आप जीते रहेंगे, विनाश होने वाला, नाश होने वाला जो रहता है उसी में फिर आप जी चलते रहेंगे। नाउ दैट यू आर बॉर्न अगेन, इमोर्टालिटी टुक ओवर मॉर्टालिटी। जो आप नया जन्म अभी पाए हैं, तो आप अविनाशी हो चुके हैं। जो आप नाशवंत थे उससे अभी आप निकलकर अविनाशी हो चुके हैं। जो मृत देह थे आप, तो अभी आप बिना मृत्यु वाले लोग बन चुके हैं। दूसरे तिमोथी, 2 Timothy 1:10 TPT बाइबल में से यह लिखा गया है, दिस ट्रूथ इज नाउ बीइंग अनवेल्ड बाय द रेवलेशन ऑफ द अनॉइंटेड जीसस आवर लाइफ गिवर हु हैज डिसमेंटल्ड डेथ obliterating all its effects on our lives and has manifested his immortal life in us by the gospel. हम दूसरे तिमोथियोस की पत्री 1:10 में पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में TPT ट्रांसलेशन में दिया गया है, लेकिन हम इसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में। दूसरे तिमोथियोस की पत्री 1:10 इस प्रकार से कहता है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे तिमोथियोस की पत्री 1:10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। यू डोंट हैव टू नेचर्स इन यू, यू हैव वन एंड इट्स द इमॉर्टल लाइफ एंड नेचर ऑफ गॉड। अब आपके अंदर दो स्वभाव, दो गुण नहीं है, आपके पास केवल एक ही है और वह अविनाशी जीवन है, अमरता जीवन, कभी मृत्यु नहीं आने वाला जीवन, और ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। You are a divine being encased in a human body born of the word of God. आप ईश्वरीय जन बन चुके हैं जो मनुष्य देह के अंदर रखा गया है, और आप मनुष्य देह को एक कवच के समान देख सकते हैं, जिसके अंदर ईश्वरीय जन, आप ईश्वरीय जन रखे गए हो, आप परमेश्वर के वचन से जन्माए गए हो। Don't think you are an ordinary person or like your next door neighbor who is not born again just because you have a similar physical body. कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि आप साधारण व्यक्ति हो या फिर आप उस इंसान की तरह हो जो आपके पड़ोस में रहता है, बगल में रहता है, जो अभी तक नया जन्म नहीं पाया है। केवल ये एक कारण कि आप दोनों के शरीर में समानताएं हैं, मनुष्य देह है आप, इसके लिए आप ऐसा नहीं सोचना है, उसी की तरह आप भी साधारण व्यक्ति हो।
नो यू आर अ पार्टेकर ऑफ द डिवाइन नेचर. बिल्कुल नहीं, आप साधारण व्यक्ति उनके समान जैसे नहीं हो, आप भागीदारी में हो ईश्वरीय स्वभाव के. यू आर इन गॉड्स क्लास ऑफ बीइंग. इट वॉज हिज वर्क, ही डिटरमाइंड फॉर इट टू बी सो. आप परमेश्वर का जो श्रेणी होता है, वर्ग होता है, आप उसके बीच लाए गए सृष्टि हो. आप वह हो, जन हो, जो उसके हाथों से बनाया गया काम है. आप निश्चित कर दिए गए हैं इस प्रकार से होने के लिए. इट्स वॉट जीसस केम टू डू. ही केम टू गिव अस इटर्नल लाइफ एंड मेक फेलोशिप वननेस विथ गॉड पॉसिबल एंड ही अकॉम्प्लिश्ड इट. हालेलुया. यही तो वो बात है जो यीशु मसीह करने के लिए आया हुआ था. उसने वह सब कुछ कर दिया. आपको उसने आकर अनंत काल का जीवन दे दिया और आपकी सहभागिता बना दी एक मन के साथ, परमेश्वर के साथ संभवता में. और वह सब कुछ उसने पूरा कर दिया आपके लिए. हालेलुया.